नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सुमित मेडिकेयर में और मैं हूं आपका दोस्त सुमित। दोस्तों, हम इस चैनल में जानकारी देते हैं दवाइयों से रिलेटेड, जिसमें दवाइयों के उपयोग, दवाइयों के साइड इफेक्ट तथा दवाइयों को कैसे लेना होता है, इन सब की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को देते हैं। इस चैनल में दी हुई जानकारी के आधार पर कोई भी व्यक्ति कृपया मेडिसिन्स का उपयोग ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें, क्योंकि दवाइयों के भयंकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको बहुत गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेफ्टल स्पास टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। मेफ्टल स्पास टैबलेट मेफनामिक एसिड तथा डाईसाइक्लोमेन हाइड्रोक्लोराइड एसिड का मिश्रण है, जो मार्केट में ड्रॉप फॉर्म, सिरप फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म तथा टैबलेट फॉर्म में उपलब्ध है, जिसमें से आज हम टैबलेट फॉर्म के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथियों साथियों, मेफ्टल स्पास टैबलेट हमारे पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग लिया जा सकता है। मेफ्टल स्पास टैबलेट के उपयोग की बात करें तो मेफ्टल स्पास टैबलेट का उपयोग किसी व्यक्ति के पेट में दर्द है, मरोड़ है, पेट में भारीपन है, मांसपेशियों में दर्द रहता है या पेट में अन्य बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके निवारण के लिए हम मेफ्टल स्पास टैबलेट उस व्यक्ति को दे सकते हैं। कहीं कहीं डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर मेफ्टल स्पास टैबलेट का उपयोग अन्य बीमारियों में भी ले सकते हैं। दोस्तों, मेफ्टल स्पास टैबलेट के लाभ हैं, उसके साथ साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो मेफ्टल स्पास टैबलेट लेने पर व्यक्ति को कुछ सामान्य से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे चक्कर आ सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, दृष्टि धूमिल हो सकती है, बेहोशी भी हो सकती है। इन साइड इफेक्ट के अलावा अगर किसी व्यक्ति में कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो कृपया अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, जिस डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर उसको फर्दर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि वीडियो देखकर कोई भी मेडिसन अपने आप से ना लें, वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, तो कृपया वीडियो देखकर कोई भी दवाइयां ना लें। साथियों, बात आती है डोजेज की, कि दवाइयों को कितनी कितनी मात्रा में किस किस को दे सकते हैं। तो 7 साल से नीचे के बच्चों को दवाइयाँ प्रेस्क्राइब नहीं की जा सकती है टैबलेट फॉर्म में। 7 साल से नीचे के बच्चों को सिरप फॉर्म और ड्रॉप फॉर्म दिए जाते हैं। 12 साल से ऊपर के लोगों को, जो 12 साल से ऊपर हैं, उनको एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेनी होती है, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाती है। साथियों, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।